सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। पंजाब दे विच करोना दा कहर लगातार जारी है। बठिंडा च करोना दा वड्डा ब्लास्ट होया, जिले च एक दिन दे विच 66 नवे केस सामने आए ने। हुण तक सब तो वध केसां दी पुष्टि होण नाल सेहत विभाग दे नाल जिला प्रशासन दे भी हाथ पैर फुल गए ने। पंजाब च आए दिन मोरी कतार च ड्यूटी निभाउण वाले सिविल पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अते मुलाजम भी इस दी लपेट विच आ रहे ने। बीते दिन जिले दा हॉटस्पॉट बन चुके रामा मंडी रिफाइनरी तो 31 केस सामने आए ने, जदों कि इस दे अलावा वड्डी गिनती नथाना पुलिस थाना दे पुलिस कर्मचारियों की है, जिथे 29 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए ने। रामपुरा फूल, नाथपुरा, गिद्दड़ और गोबिंदपुरा विच एक एक केस सामने आया है। बठिंडा दी सैनिक छावनी विच 3, अनूपनगर मॉडल टाउन फेस 1 और हाजी रतन गेट विच एक एक केस कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह नाल जिथे सवेरे 66 मामले आए सन, उथे गिनती शाम नूं वध के 74 हो गई है। जिला जलंधर च कोरोना वायरस का कहर लगातार वाधा जा रहा है। आलम यह है कि जिले चो 20 तो उपर कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अज भी जलंधर जिले चो सवेरे 71 पॉजिटिव केस मिलने तो बाद हुण मुड़ 14 नवे मामलों की पुष्टि की गई है, जिथे दसनयोग है कि अज जलंधर जिले चो हुण तक कुल 45 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सेहत महकमे तो मिली जानकारी के मुताबिक हुण ते मिले 14 केस प्राइवेट लैबोरेटरी के विचों प्राप्त हुए हैं। इस दे नाल ही हुण जलंधर जिले च कोरोना पीड़ितों की गिनती 1829 तक पहुंच चुकी है, जिन्हां चो 35 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। सूत्रां दे हवाले तो अहम खबर, पंजाब च कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन वधदा जा रहा है। आलम यह है कि पंजाब च कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों की गिनती 11,000 तो पार हो चुकी है। पंजाब च हुण तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अमृतसर 1360, लुधियाना 2,000, कुनाहट, जलंधर च कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस 1829, संगरूर 844 केस, पटियाला 1139 केस, मोहाली 605, गुरदासपुर 323 केस, पठानकोट 291, तरन तारण 242, हुशियारपुर 392, नवांशहर 275, मुक्तसर साहिब 186, फतेहगढ़ साहिब 244, रोपड़ 180, मोगा 229, फरीदकोट 229, कपूरथला 169, फिरोजपुर 237, फाजिलका 179, बठिंडा 200, बरनाला 79, मानसा 86 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके ने। इत्थे राहत दी गल है कि सूबे चो 7,643 मरीज कोरोना नूं मात दे चुके ने, जबकि कोरोना महामारी के 3438 तो वध मामले अजे भी सरगर्म ने। इस तों इलावा कोरोना वायरस नाल 273 लोगों की मौत हो चुकी है। पटियाला जिले दे विच कोरोना दा कहर रुकण दा नाम नहीं लै रहा। कोरोना नाल 2 होर मरीजां दी मौत हो चुकी है, जदों कि 68 नवे केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ने दस्सिया कि अज दीआं 2 मौतां दे मगरों जिले च हुण तक होईआं मौतां दी गिनती 19 हो गई है। पॉजिटिव केसां दी गिनती 1217 हो गई है। 613 मरीज ठीक हो चुके ने, जदों कि 585 मरीज एक्टिव ने। उन्हां दस्सिया कि लोक निर्माण विभाग च काम करदे 43 साला मुलाजम दी ते राजपुरा दे रहण वाले 45 साला व्यक्ति दी इलाज दौरान मौत हो गई है। उन्हां दस्सिया कि अज नवे पॉजिटिव आए केसां दे विच एक गर्भवती महिला, एक पुलिस मुलाजम ते हेल्थ केयर वर्कर भी शामिल ने। पॉजिटिव आए केसां बारे उन्हां दस्सिया कि इन्हां 68 केसां दे विचों 23 पटियाला शहर, 13 राजपुरा, 3 नाभा, 2 समाणा, 5 पिंड धमोली अते 22 वख-वख पिंडां तों ने। उधर एक पासे जिथे पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, उधर रामपुरा फूल शहर के वासियों लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दस दें कि बीते दिन एक निजी हस्पताल दे विच अचानक बाहरों चैकअप कराने आए मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और शहर के एक उगे कांग्रेसी आगू की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने कारण शहर च हड़कंप मच गया, जिसके चलते निजी हस्पताल के डॉक्टर उसके स्टाफ ने अपने आप को होम क्वारंटाइन करके पूरे हस्पताल सैनिटाइज कर दिया। निजी हस्पताल के डॉक्टर स्टाफ के सैंपलों की रिपोर्ट बीती रात नैगेटिव आ गई है। इस ही मार्केट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन ते नगर काउंसिल के सबका प्रधान, जिन्होंने स्वै इच्छा अनुसार कोरोना टेस्ट कराया सी, उन्हां दी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। दस दें कि शहर वासियों लिए यह बहुत वड्डी राहत भरी खबर है, क्योंकि शहर में कुछ अजिहियां अफवाहां उड़ रही सन जिस करके शहर में सहम का माहौल पैदा हो गया सी। उधर इस मामले को लेकर निजी हस्पताल के डॉक्टर ने भी मीडिया नाल जानकारी सांझी की है।
मैं डॉक्टर अर्श कुमार गर्ग जो कि रामपुरा फूल विखे चैस्ट एंड टीवी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ध्यान लियाना चाहता हाँ कि कुछ दिन पहला ही साढ़े को एक केस आया जो कि करोना पॉजिटिव पाया गया उस वेले ही सिविल होस्पिटल बठिंडा विखे रैफर कर दिया गया असी अपने आपू अपने स्टाफ को उस वेले ही क्वारंटाइन कर दिता तो नाल ही अपने सारे क्लीनिक डिसइनफेक्ट कर दिता असी 7 दिन एकांतवास रहे हूँ साड़ी रिपोर्ट जो कि करोना की है बाबत है वह नैगेटिव आ चुकी है असी अपने आप को हूँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ये असी रिपोर्ट जां असी अपना क्वारंटाइन इस वेले इसलिए किया कि ताकि असी लोगों को इस बीमारी तो बचा सकी असी नहीं चाहते कि साढ़े करके किसी लोकल ज साढ़े भैन भरा जां साढ़े कोई सखी संबंधी साढ़े तो बीमारी हो जाए हुण इस करके असी इस संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोगों को इस संदेश देना चाहते हैं भी करोना बचाने वास्ते करोना तो बचने वास्ते सानू इको ही पालना करनी चाहिए है कि अपने मूँह के मास्क बनो अपने आप को बचाओ उस वेले ही घरों निकलो जो कि तुहानू कोई लोड़ है नहीं तो अपने घर रहो ताकि यह बीमारी असी बदन तो बचा सकी धन्यवाद पंजाब च जिथे कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती च लगातार वाधा हुंदा जा रहा है उत्थे दिन ब दिन मौत दर भी वधदी जा रही है जानकारी के मुताबिक अज दिन चढ़दिया ही संगरूर च कोरोना नाल पीड़ित 59 साल पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाने का समाचार प्राप्त होया है इस मरीज का इलाज लुधियाना च चल रहा है यह व्यक्ति संगरूर जिले का रहने वाला है दस्सियोग है कि संगरूर च कोरोना नाल मरण वाले की गिनती तेई हो गई है और संगरूर च हुण तक 188 एक्टिव केस ने जिन्हों चो 651 लोग सेहतयाब होकर घरों जा चुके हैं कोविड-19 कारण सूबे च हुण तक 282 लोगों की मौत हो गई है पंजाब विच कोरोना ते वध रहे केसां दे मद्देनजर हुण पंजाब सरकार सख्त हुंदी नजर आ रही है दरअसल अज वीरवार नूं सरकार ने कोरोना नियमां दी सख्ती नाल पालना नूं यकीनी बनाउण वास्ते जुर्माना राशि विच वाधा कर दिता है जिस मुताबिक हुण होम क्वारंटाइन दी उलंघना करन होटल अते रेस्टोरेंटां विच सोशल डिस्टेंसिंग दीआं तरजीआं उड़ाउण उत्ते 5,000 रुपए दा जुर्माना लगेगा इस तों इलावा समाजिक इकट्ठां दौरान सोशल डिस्टेंसिंग दे नियमां दी पालना ना करन दे उपर 10,000 रुपए दा जुर्माना लगाया जाएगा सीएम कैप्टन ने धार्मिक अदारियां दे प्रबंधकां नूं भी अपील कीती है कि धार्मिक स्थानां उत्ते भी कोरोना नाल जुड़ियां हदायतां दी सख्ती नाल पालना कराई जावे उत्थे दूजे पासे मुख मंत्री दे आदेशां ते कारवाई करदिआं डीजीपी दिनकर गुप्ता ने 6,355 पुलिस मुलाजमां नूं गैर जरूरी ड्यूटियां तों वापस बुला लिया है डीजीपी ने दस्सिया कि इस प्रक्रिया तों बाद सिपाही तों इंस्पैक्टर रैंक ते 1800 होर पुलिस कर्मचारियां नूं पुलिस थाणिआं विच तैनात कर दिता गया है उत्थे ही ऑडम बटालियनां ते कोविड दस्तियां विच 475 कर्मचारियां दी नफरी तों इलावा वाधू पुलिस जवान तैनात कीते गए ने जिन्हां विचों शंभू बैरियर विखे 118 जिलियां विच सुरक्षा ड्यूटी ते 191 अते ऑडम बटालियनां दे गैर सरकारी संगठनां ते 102 जवान लगाए गए ने दस दईए कि फैसला सूबे भर विच कोविड संबंधी नियमां अते प्रोटोकॉल नूं लागू करन दे नाल कार्यशील प्रणाली विच होर सुधार लियाउण लई लिया गया है